गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू यूनिट नंबर 6 एंड इन क्लास 12th इट इज़ द यूनिट नंबर 1. स्टूडेंट, द यूनिट नेम इज रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट, इन दिस यूनिट there are 4 chapters are given. Reproduction in organism is the first chapter. Chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. Student, chapter number 2 name is sexual reproduction in flowering plants. Chapter number 3, human reproduction. Chapter number 4, reproductive health. Student, unit first of class 12th is reproduction. In this unit, 4 chapters are included. And in first chapter, we will study about the reproduction in different organisms. And in chapter number 2, we will study about the sexual reproduction in angiospermic plant या flowering plants. इस chapter में हमें flowering plants के अंदर sexual reproduction कैसे होता है ये इसमें detail से study करेंगे. Chapter number 3 में human reproduction को briefly study करेंगे and chapter number 4th में कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जाए ये हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट, यूनिट सिक्स में जो क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है, लेकिन अगर हम देखें जो 10+2 कहने का मींस है 11th में 5 यूनिट्स स्टडी कर चुके हैं और 6th यूनिट ये आ जाती है, लेकिन क्लास 12th के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट यूनिट है. स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर we will study about 2 things, sexual reproduction and asexual reproduction. इन्हीं दोनों टाइप के जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में टेक्स प्लेस होते हैं, तो इन्हीं को हमें ब्रीफली स्टडी करना है. नाउ स्टूडेंट, फर्स्टली वी टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि यू नो दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग बींग्स अगर इस दुनिया में उसने जन्म लिया है तो एक ना एक दिन उसकी डेथ हो जाती है. तो कोई भी लिविंग बींग्स है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक जीवित रह सकता है. स्टूडेंट, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म की जो बर्थ से और नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है वही उसकी लाइफ स्पैन कहलाती है. स्टूडेंट, लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म गिवन इन फिगर 1.1. कुछ ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन है वो फिगर नंबर 1.1 में गिवन है. स्टूडेंट्स, जैसे एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 60 से 75 ईयर्स तक का होता है. कहने का मीन्स ये है, इट मीन्स दैट एलिफेंट कैन सर्वाइव
approximately 60 to 75 years. Rose plant can survive only, rose plant's lifespan is about 10 years. Dog lifespan is about 25 years. Butterfly lifespan 1 to 2 weeks. Kiro lifespan about 15 years. Banana tree lifespan is about 25 years. Cow lifespan is about 25 years. Parrot's lifespan is 140 years. Crocodile lifespan is 60 years. Horse lifespan is about 150 years only. Fruit fly lifespan is about 1 month. And lifespan of rice plant is about 4 months. Strength, the lifespan of tortoise is about 100 to 150 years. ये 100 से 150 years तक जीवित रह सकता है. बनियान ट्री 200 से लेकर 300 years तक सर्वाइव करता है स्टूडेंट. सिकोया प्लांट एक ऐसा प्लांट है स्टूडेंट जिसका लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली, सिकोया प्लांट का जो लाइफ स्पैन है स्टूडेंट वो लगभग 3000 से लेकर 4000 ईयर्स का होता है. तो सिकोया प्लांट्स स्टूडेंट कितने साल तक जीवित रहता है या इसका लाइफ स्पैन लगभग 3000 से लेकर 4000 तक का होता है. नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द मेन स्टेजेस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन. स्टूडेंट एक लिविंग बीइंग है उसके लाइफ स्पैन के दौरान कौन कौन सी मेन स्टेज होती हैं. वी विल टॉक अबाउट दीज स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज जुवेनिलिटी. जुवेनिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट इस जुवेनिलिटी स्टेज में क्या होता है, ये वो स्टेज होती है जो जन्म से और ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को अटेन करने तक का, मतलब जन्म के बाद, जन्म से लेकर के और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर करने की जो कैपेसिटी है जब तक अटेन नहीं करता है तो उसके बीच की जो स्टेज होती है जुवेनिलिटी फेज कहलाती है. तो जुवेनिलिटी फेज में बर्थ से लेकर और ऑर्गेनिज्म जब तक रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी अटेन करता है उसके बीच की स्टेज को जुवेनिलिटी फेज कहा जाता है. सेकेंड है मैच्योरिटी. मैच्योरिटी में क्या होता है स्टूडेंट, ये वो स्टेज है जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी जब आ जाती है तो वही स्टेज मैच्योरिटी कहलाती है स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टेज है थर्ड वन इज एजिंग. एजिंग में क्या होता है कि इस स्टेज में कोई भी लिविंग बीइंग्स है उसकी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और ऑर्गन्स का डिके होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन्स का पतन शुरू हो जाता है, ऑर्गन्स डिट्रैक्शन होने लगता है और मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाती है तो ऐसी स्टेज को एजिंग कहा जाता है. लास्ट फोर्थ स्टेज है स्टूडेंट डेथ. डेथ क्या होता है स्टूडेंट, ये लाइफ किसी लिविंग बीइंग की लाइफ का एंड होता है तभी उसे कहते हैं डेथ. तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग्स एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन स्टूडेंट. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स रिलेटेड टू द लाइफ स्पैन योर सेल्फ.